18 साल के बाद भी बढ़ सकता है बच्चों का कद, करें इसका सेवन। मांस मछली अंडों से अधिक होता है, मूंगफली में प्रोटीन। बादाम काजू नहीं खा सकते तो करें मूंगफली का सेवन। मूंगफली के बारे में किसी ने सच ही कहा है कि यदि आप बादाम व काजू नहीं खा सकते तो मूंगफली का सेवन जरूर करें। भारत में मूंगफली को सस्ता काजू भी कहा जाता है। वनस्पति प्रोटीन का खजाना माने जाने वाले मूंगफली का सही ढंग से सेवन करने से 18 साल बाद भी बच्चों का कद बढ़ सकता है। इतना ही नहीं, मूंगफली में मांस मछली अंडों से कहीं अधिक प्रोटीन की मात्रा होती है। देश में मूंगफली का तेल, गुड़, मूंगफली की गच्चक का अधिक सेवन किया जाता है। मूंगफली में पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा। मूंगफली में प्रकृति ने भरपूर मात्रा में प्रोटीन प्रदान किए हैं। मूंगफली का वनस्पति नाम आर्चीज हाइपोगया है। मूंगफली को तिलहन की फसल कहा जाता है। मूंगफली में विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिससे शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। साथ ही इससे शरीर को एनर्जी भी मिलती है। इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, नियाचिन, रिपोफ्लेविन, थियामिन, विटामिन B6, B9 और पेंटोथेनिक एसिड पाए जाते हैं। मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा मांस की तुलना में 1.3 गुना, अंडों से 2.50 गुना और फलों से 8 गुना अधिक होती है। 100 ग्राम कच्ची मूंगफली में 1 लीटर दूध के समान मछली और अंडों में इसका प्रोटीन फीसद 10% होता है। 250 ग्राम मूंगफली से बनाए गए मक्खन से 300 ग्राम पनीर, 2 लीटर दूध या 15 अंडों के बराबर ऊर्जा हासिल होती है। 250 ग्राम भुनी हुई मूंगफली में जितनी मात्रा में खनिज और विटामिन होते हैं वह 250 ग्राम मांस से भी प्राप्त नहीं हो सकते। मूंगफली व इसके तेल के सेवन से मिलते हैं भरपूर लाभ। मूंगफली पाचन शक्ति में भी कारगर है। मूंगफली को सस्ता काजू कहा जाता है। इसमें स्वाद के साथ स्वास्थ्य को भी लाभ पहुंचाने का गुण है। मूंगफली को कई प्रकार से उपयोग किया जाता है। इसका तेल भी स्वाद और स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। मूंगफली को देश के हर तरह के खाने में इस्तेमाल किया जाता है, मीठा पकवान हो या फिर नमकीन। साथ ही कई तरह के रोगों को समाप्त करने में मूंगफली अहम रोल अदा करती है। 18 साल के बाद भी बच्चों का बढ़ सकता है कद। आमतौर माता पिता अपने बच्चों का कद छोटा रहने से परेशान रहते हैं, लेकिन इस समस्या का समाधान मूंगफली की गिरी में मौजूद है। मूंगफली प्रोटीन का एक बहुत बड़ा स्रोत है। मूंगफली में मौजूद अमीनो एसिड शरीर की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए बच्चों के लिए यह बहुत लाभकारी है। ऐसे में 18 साल की आयु के बाद भी बच्चों का कद बढ़ सकता है। दिल संबंधी रोगों से मिलती है निजात। मूंगफली में मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, खास तौर पर अलाइक एसिड होता है, जिससे दिल संबंधी बीमारियों से छुटकारा मिलता है। मूंगफली के सेवन से बुरे कोलेस्ट्रॉल कम हो जाते हैं और अच्छे कोलेस्ट्रॉल बढ़ते हैं। मूंगफली शरीर में गर्माहट लाती है, इससे हार्ट अटैक या दिल संबंधी रोगों का खतरा कम हो जाता है। पेट के कैंसर की संभावना को करती है कम। मूंगफली में भारी मात्रा में मौजूद पॉलीफेनोलिक एंटीऑक्सीडेंट्स और कामेरिक एसिड पेट के कैंसर की संभावना को कम करने में मदद करता है। मिलते हैं सुंदर त्वचा और बाल। मूंगफली को सस्ता काजू कहा जाता है। इसका मुख्य कारण मूंगफली की गिरी काजू की तरह सफेद होती है। मूंगफली में बादाम की तरह विटामिन ए की भरपूर मात्रा होती है। इससे बेहतरीन त्वचा और बाल मिलते हैं। वजन बढ़ने की समस्या से मिलती है निजात। मूंगफली में पोटाशियम, मैग्नीज, कॉपर, कैल्शियम, आयरन, सेलेनियम और जिंक जैसे महत्वपूर्ण मिनरल्स पाए जाते हैं। महिलाएं यदि मूंगफली को एक सप्ताह में कम से कम 2 बार खाएं तो वजन बढ़ने की समस्या कम हो जाती है। गैस और एसिडिटी से दिलाए निजात। सर्दियों में अधिक खाना खाने के कारण पेट फूल जाता है। इस वजह से इंसान सही ढंग से नाश्ता और लंच नहीं कर पाता। सर्दियों में एक मुट्ठी मूंगफली के दाने को रात भर भिगोकर रखकर सुबह खाने से समस्या का समाधान होता है। जोड़ों और कमर के दर्द को दे राहत। सर्दियों में कमर और जोड़ों का दर्द अमूमन बढ़ जाता है। भीगी हुई मूंगफली को थोड़े से गुड़ के साथ खाने से इस रोग से राहत मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, D5 चैनल, हिंदी।